कहीं भी आ सकती है। आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम है छठ की वजह से। 80 किलोमीटर बाइक लगातार चलने के बाद यार हाथ का तो हालत पता ही है होगा है। आज पूरा 160 किलोमीटर गाड़ी चला, यहाँ पे भी पूरा पानी गिरते रहता है। और अभी तो फिलहाल देवरा में आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सजावट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस पहले का ब्लॉग देखा जो कि पटना सिटी का ब्लॉग बनाए थे और उस ब्लॉग में लंबा हो जाता इसलिए नहीं बना पाए। और आज पटना से जा रहे हैं फिलहाल घर। तो आप लोग पहले का ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, पर आई बटन में भी लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए और बाकी हम आ गए हैं पटना सिटी से बाहर और रोड में। और अभी बाइक से अपना देख सकते हैं यहाँ पे बाइक मेरा है, मोटो ब्लॉग जो कि बनाने वाले हैं। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, तो आप लोग बाकी चलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मोटो ब्लॉग से। तो आप लोग देखिए आगे का व्यू क्या आता है। जो फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं और चल रहे हैं अभी। अरे यार तो यार यही तो एक प्रॉब्लम है कि गाड़ी कहीं भी आ सकती है। राइडिंग करने में तो वैसा ही रोड में बहुत ज्यादा मजा आता है। बाकी आप लोग यहाँ पे अभी का स्पीड चेक कीजिए, 110-120 देख सकते हैं यहाँ पे का व्यू। और अभी पुल जो कि बन रहा है अभी और हम लोग सामने से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे फिर से जाम। सिंगल रूट में जाम तो हमेशा रहता ही है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना लंबा जाम है छठ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे चौक है, ट्रैफिक यहाँ पे आना पड़ गया, ट्रैफिक पुलिस भी लग गया यहाँ पे। यहाँ पे छठ की वजह से पूरा जाम लगा हुआ था और पूरा माहौल भी मस्त है एकदम। छठ की वजह से पूरा साफ सुथरा रोड, ऐसा ही हर जगह पे होना भी चाहिए। और फैमिली गाइस अभी आ गए हैं हम मेन रोड पे, नहर वाला रास्ता से मेन रोड धर लिए हैं और चलते हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पुलिस का गाड़ी और अब पीछे में भी कोई है, तो हम लोग को तो फिर आगे ऐसे निकलना पड़ेगा। आगे भी गाड़ी पुलिस का और पीछे भी पुलिस का गाड़ी, पता नहीं कौन है, पर हमें तो आगे निकलना पड़ेगा। और चलते हैं फिलहाल, अभी निकलते हैं हम आगे, पता नहीं कोई होगा पुलिस स्क्वाड, आवाज करते चल रहा है गाड़ी। 80 किलोमीटर बाइक लगातार चलने के बाद यार हाथ का तो हालत पता ही है होगा आप लोग को क्या हो जाता है जो। और बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी तो कम से कम तो 60 किलोमीटर और चलना है हमें, आगे निकलते हैं अब। और फैमिली गाइस अभी आ गए हैं हम दाऊनगर से 10 किलोमीटर पीछे आगनूर, जो कि मेरे मामा घर है, और चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा काम है मामा से तो उनसे मिल लेते हैं और सोचे कि कुछ यहाँ का भी ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल अभी जा रहे हैं मामा के पास दुकान पे और वहाँ से कुछ काम है, सामान लेना है, तो उसके बाद निकलेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ का व्यू देखते हैं क्या है जो, और यहाँ का रिएक्शन भी बहुत ही अजीब होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बिजली से, पानी से बिजली यहाँ पे होता है, जो पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे भी पूरा पानी गिरते रहता है और यहाँ भी पानी स्टॉक रहता है, यहाँ पे पानी से बिजली होता है जो कि छठ है, इस वजह से पूरा भीड़ है मार्केट में भी। अरे बाकी यहाँ पे आ गए हैं दुकान पर, यहाँ पे देखते हैं
जिन प्रणाम और फिलहाल अभी निकल रहे हैं यहाँ से अपने मामा के यहाँ से। और फाइनली गाइज अभी हम दाऊनगर जो कि दाऊनगर में पहुंच गए हैं और दाऊनगर से भी हम लोग को अपने घर की तरफ गो जाना है। फिलहाल गाइज अभी आ गए हैं देवरा में जहाँ पे दो दिन के बाद जहाँ पे सबसे इसके बाद का ब्लॉग जो कि यहीं के बनने वाला है छठ पूजा का छठ घाट का। और अभी तो फिलहाल देवरा में आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सजावट यहाँ पूरा एकदम अच्छे से किया हुआ है सजावट छठ के लिए। और आगे चलकर देखते हैं घाट का व्यू कि घाट का व्यू कैसा है जो। और अभी चलते हैं फिलहाल घाट पे और वहां चल के देखते हैं क्या व्यू है जो। आगे से रास्ता है और बाकी यहां से सजावट देख सकते हैं पूरा मंदिर का व्यू और पूरा इधर रुकने का भी व्यवस्था किया हुआ रहता है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा व्यू। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग यहीं का होने वाला है गाइस, जिसके बाद का ब्लॉग जो है जो छठ का सांझ का रहेगा तो यह नेक्स्ट ब्लॉग यहीं का होगा जो कि छठ घाट का रहेगा। और आप लोग अगर यहाँ का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है वो जाकर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से भी निकलते हैं और चलते हैं घर, ब्लॉग को करते हैं एंड। और फिलहाल गाइस अभी आ गए हैं हम लोग गो मार्केट में और अभी निकल रहे हैं घर और ब्लॉग को करते हैं थोड़ा देर में। और यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने घर और यहाँ पे डेली ट्रिप चेक करते हैं आज कितना किलोमीटर गाड़ी चला करते हैं डे ट्रिप जो आज का है। आज पूरा 160 किलोमीटर गाड़ी चला और एवरेज स्पीड मतलब 47 का स्पीड से सबसे कम में और फ्यूल 6 लीटर लगा मतलब 650 का और एवरेज 25 टॉप स्पीड 125 तक और 3 घंटा बाइक चला जो कि डेली ट्रिप है। और बाकी यहाँ से अब चलते हैं बाइक को लगाते हैं और ब्लॉग को करते हैं एंड।